रीपा और गोबर से पेंट नवाचार के नए आयाम, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती, गौठान में आजीविका मूलक गतिविधियों से महिलाएं हो रही स्वावलंबी, संभाग आयुक्त डॉक्टर अलंग। कोरबा बिलासपुर संभाग आयुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने आज विकास खंड कटघोरा के अमरपुर और विकास खंड पौड़ी उपरोड़ा के मोहरा गौठान का निरीक्षण किया। संभाग आयुक्त ने कलेक्टर श्री संजीव झा की मौजूदगी में अमरपुर में गौठान के साथ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का निरीक्षण किया, साथ ही मोहरा गौठान में गोबर से पेंट निर्माण इकाई का भी अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर अलंग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर गांव में विकास किए जा रहे हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और गौठानों में गोबर से पेंट निर्माण नवाचार के नए आयाम हैं। इससे ग्रामीणों को गांव में ही आजीविका मूलक गतिविधियों में संलग्न होने का मौका मिल रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि गौठानों में महिलाओं द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रकार की आजीविका मूलक गतिविधियों से महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं। गांव में रीपा बनने से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, जिससे महिलाएं खुश हैं। संभाग आयुक्त डॉक्टर अलंग ने अमरपुर गौठान निरीक्षण के दौरान स्व सहायता समूह की महिलाओं से भी बात की, साथ ही महिलाओं द्वारा गौठान में की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। छत्तीसगढ़ शासन रोजगार मूलक लाइवलीहुड के कार्य, जिसमें आजीविका के लिए आपको अधिक सहायता मिल सके, इस तरह के कार्यों को लगातार प्रोत्साहित करता है। तो उसमें नए कॉन्सेप्ट के तहत अभी रीपा जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसकी स्थापना की गई, तो रोजगारों के अवसर पैदा हुए, महिलाएं उसमें बहुत खुश नजर आईं, आत्मविश्वास का संचार हुआ, कुछ आय के साधन घर तक पहुंचे, इस तरह की बातें आईं। और कुछ इनोवेशंस के भी काम हुए हैं, जैसे कृषि टूल्स आए और गोबर बेस पेंट का निर्माण करना शुरू किया, तो इन सब का अच्छा मार्केट बना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती मिलती। कोरबा पाली छत्तीसगढ़ से शशि मोहन कोसला की खास रिपोर्ट।